अस्सलाम वालेकुम। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत बहुत खूबसूरत एक क्रोशिया डिज़ाइन बास्केट स्टाइल समझे, और बहुत खूबसूरत जो कि ज़ाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है, आपके सामने है। आज इसको बनाना सीखेंगे, बनाना बहुत आसान है और बहुत कम टाइम में आप इसको समझ भी लेंगे, बहुत आसान है। और इसको आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मैंने जो ज़ाती तौर पे जो मेरी ख्वाहिश है, मैं उसको कुशंस बनाने के लिए, इसके अलावा बेबी ब्लैंकेट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सूटेबल है। और इसके अलावा आप इसको चाहें तो आप कार्डिगन्स वगैरह पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पोंचो पे भी इस्तेमाल करेंगे तो तब भी बहुत अच्छा लगेगा। कुशंस के लिए भी ज़बरदस्त किस्म का ये स्टाइल है और बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए जनाब शुरू करते हैं, इसको बनाने का तरीका बहुत आसान। चलिए जनाब शुरू करते हैं आपका काम। पैटर्न शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वही स्लिप नॉट और इस तरह से स्लिप नॉट बना ली। 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है। क्रोशिया हुक से जो फोर्थ चेन है, 1 2 3 4 4 चेन, इसमें से एक सिंपल डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 स्टिचेस हैं हमारे पास और उनमें से भी इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 4 स्टिचेस, 1 2 3 4। अब ये जो हमने सबसे पहले स्लिप नॉट लगाई थी, हम इसको टाइट कर लेंगे। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 6 चेन बनाने के बाद हमने फिर उसी तरीके से 1 2 3 4 फोर्थ चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। सिंपल, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल। 1 नेक्स्ट 2 स्टिचेस बच के उनमें से भी इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशिया। ये थर्ड स्टिच है। इसके बाद ये हमारे इससे 1 2 3 4 स्टिचेस हो गए। अब उसके बाद इसको पलट लें, ये जो फर्स्ट है इसको पलट लें, और इसका ये जो लास्ट है 3 चेन्स वाला हिस्सा, इसके ये देखें इसमें से इस गैप से यहाँ से स्लिप स्टिच की मदद से इसको इसके साथ जोड़ दें, ये इस तरह से। वन टू थ्री, अब 3 चेन्स और ये जो इसी हिस्से में से 3 डबल क्रोशिया हमने लेने। 1 2 3, ये फर्स्ट हमने बनाया था। इसके बाद जो सेकंड है उसमें 2, अब ये कंप्लीट हो गए यहाँ पर। जिस वक्त ये कंप्लीट हो जाए एंड पर, अब हमने आगे 6 4 5 6 6 चेन्स बनानी है, और फोर्थ चेन में 1 2 3 फोर्थ चेन में हमने डबल। ये बनाने के बाद
इसको पलट लें और ये जो 3 चेन्स वाला गैप है इसमें से हम इस तरह स्लिप स्टिच की मदद से इसको जोड़ लेंगे। ये हमारी थर्ड रो शुरू हुई है। ये फर्स्ट थी उसमें एक क्लस्टर, ये सेकंड थी इसमें 2, अब इसमें हमारे 3 होंगे, 1, 2, 3। ये बनाकर और इस स्लिप स्टिच की मदद से साथ अटैच करें। अभी ये हमारे एक और बनेगा, 1, 2, 3, 3 चेन और ये देखें आपके सामने फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया था 1, सेकंड में 2 और अब 3। इसी तरीके से साइड्स पे भी आप देखें 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसी तरीके से। अब जब तक हमने इसको बढ़ाना है तब तक हम इसके एंड पे 1, 2, 3 6 चेन और इसी तरीके से 4th चेन में डबल क्रोशिया और ये लास्ट 6th चेन में डबल क्रोशिया। ये आपके सामने मैंने 7 रोज़ बना दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लस्टर इधर और इसी तरीके से इस साइड पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये भी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आपको इनको इस स्क्वायर बनाने का, शेप बनाने का, इसको कम करने का तरीका कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको जब तक बढ़ाना है इस तरीके से जो आपको बताया बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे जैसे एंड पे आप 6 चेन्स करेंगे, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है कि अब आपको और लेंथ नहीं चाहिए जितनी, तो कम करने का तरीका क्या है। यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ाने के लिए 6 चेन्स करते थे और नया क्लस्टर तैयार करते थे, यहाँ पर 1, 2, 3 सिर्फ 3 चेन्स बनाएंगे और काम को पलट लेंगे और यहाँ ये जो है इसमें हम स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको इसके साथ जैसे अटैच कर रहे हैं इस तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखें हमारा जो नया जो है वो अब यहाँ से शुरू होगा, नई रो यहाँ से बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे जैसे बाकी बना रहे थे। लेकिन आपको मैंने बताया कि जब आगे नहीं बढ़ाना फिर यहाँ से ये देखें जी यहाँ हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लस्टर्स की रह गए। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर आए और बाकी फिर हम उसी तरीके से जैसे हम बना रहे थे वो बनाते रहेंगे। ये इसी तरीके से आगे फिर 3 चेन्स और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर। ये यहाँ पर आती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको यहाँ पर अगर बढ़ाना है, रेक्टेंगल शेप देनी है, इसको आगे लेके चलना है तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
नहीं तो इसको स्क्वायर शेप देने के लिए क्या करना होगा। ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए। इस साइड से हम इसके 7 के बाद हमने इसकी कटिंग कम करना शुरू कर दिया है। अब अगर हमने इसको रेक्टेंगल शेप देनी है तो इसको उसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर इस तरह से नया क्लस्टर, ये देखें 7 के बाद 8, हम उसी तरह जैसे हम पहले शुरू से बनाते चले आ रहे हैं हम उसी तरीके से इसको यहाँ पर बनाएंगे। तो ये इस साइड से हमारा बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर नया क्लस्टर बन जाएगा 8 नंबर पर। तो ये यहाँ से लेंथ, लेकिन अगर आपने इसकी कटिंग करनी है, इसको कम करना है स्क्वायर, और आपकी लेंथ या स्क्वायर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यहाँ पर जिस वक्त हमने यहाँ इसको जोड़ा है यहाँ पर, अब इस क्लस्टर पे हम इसको एंड कर रहे हैं, हमने स्क्वायर शेप जैसे देनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 चेन्स बनाएंगे और काम को पलट लेंगे, और यहाँ ये जो 3 चेन्स हैं इनके दरमियान में से हम इसी तरीके से स्लिप स्टिच की मदद से इसको, ये देखें ये स्क्वायर शेप तैयार होगी। दोनों साइड्स पे हमने इसकी कम करना शुरू कर दिए हैं और अब उसी तरीके से जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको बता, इस तरीके से हम स्क्वायर शेप, ये इसी तरीके से करते करते हम इसको यहाँ पर स्क्वायर लास्ट पे बन रह जाएगा। ये मुकम्मल होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। देखें जरा ये स्क्वायर तैयार है, पैटर्न आपने देख लिया, बनाना कितना आसान। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत 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 पसंद आएगा, मुझे तो जाती तो बहुत पसंद है। तो शाम मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए प्रोजेक्ट के साथ फिर आपके पास आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।